नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 12294 दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पर कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेंगे तो कितना किराया लगेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ट्रेन संख्या 12294 ये ट्रेन प्रयागराज से लोकमान तिलक टर्मिनस के लिए चलाई जाती है, जो कि ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शनिवार। दोस्तों ये गाड़ी शाम को 6:10 पे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होती है और ये ट्रेन 2:40 पे लोकमान तिलक टर्मिनस पहुँचाती है दिल्ली। ये ट्रेन शाम को रवाना होती है, दिन में पहुंचाती है और अपने यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल 6 स्टेशनों पर ठहराव लेती है। 1348 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 20 घंटा 30 मिनट में तय करती है। दोस्तों इस ट्रेन में कोटा सभी प्रकार के अवेलेबल हैं, कोच यहां पे टोटल 22 दिए जाते हैं, जिसमें आपको केवल एसी कोच अवेलेबल है। जैसे आपको यहाँ पे 3 टीयर, 2 टीयर और 1st AC, आपको यही 3 सुविधा मिलने वाली है। इस ट्रेन में 2 सीटिंग और स्लीपर की सुविधा नहीं दी जाती है। इस ट्रेन में दोस्तों अगर हम किराए की बात करें तो आप प्रयागराज जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनस के लिए टिकट लेंगे 3 टीयर में तो आपको लगेगा 3,885 रुपये, 2 टीयर में 4,150 रुपये और 1st AC में 5,185 रुपये। एक बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली है कि ये जो मैं फेयर आपको बताया हूँ, ये फेयर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेन का जो किराया है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे ट्रेन की सीट की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे इस ट्रेन के किराए का दाम बढ़ता जाएगा। हालांकि ऐसी कई ट्रेनें हैं, जैसे कि सुविधा एक्सप्रेस हो गई, उस ट्रेन में भी ऐसा ही होता है। जैसे टिकट की संख्या कम होती जाएगी इस ट्रेन में, वैसे ही टिकट के किराए का दाम बढ़ता जाएगा, जैसे कि प्रीमियम तत्काल होता है। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन के जो टोटल 6 स्टॉप दिए गए हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से अपने निर्धारित समय शाम 6:10 पे रवाना होती है और यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप आता है सतना। दोस्तों ये ट्रेन उत्तर प्रदेश में केवल इस ट्रेन का 1 स्टॉप होता है, जो कि प्रयागराज जंक्शन, और उसके बाद इस ट्रेन का मध्य प्रदेश में स्टॉप आता है सतना। सतना में ट्रेन की टाइमिंग रात को 9 बजे हो जाती है और ये ट्रेन 3 घंटे में 178 किलोमीटर के बाद इस ट्रेन का स्टॉप आता है। ट्रेन सतना में 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर अपने सफर के लिए रवाना होती है। तो पहुंचती है जबलपुर और जबलपुर में ट्रेन की टाइमिंग रात 11:40 हो जाती है। यहाँ पे ये गाड़ी 10 मिनट ठहराव लेती है और 663 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की रहती है। दोस्तों ये गाड़ी जब जबलपुर से रवाना होती है तो पहुंचती है इटारसी और इटारसी में ट्रेन की टाइमिंग 3:25 रात में और यहाँ पे ये गाड़ी 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। और इटारसी के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है भुसावल, जो कि महाराष्ट्र में। भुसावल में ट्रेन की टाइमिंग 7:55 हो जाती है सुबह में और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है, फिर अपने सफर के लिए रवाना होती है। तो दोस्तों इस ट्रेन के 3 स्टॉप आते हैं मध्य प्रदेश में, पहला सतना, दूसरा जबलपुर, तीसरा इटारसी, और भुसावल में गाड़ी की टाइमिंग 7:55 होती है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन पहुँचती है लोकमान तिलक टर्मिनस। बीच में इस ट्रेन का स्टॉप नहीं दिया जाता है, जैसे इगतपुरी, मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण, थाने, बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं दिया जाता है और ये ट्रेन पहुँचती है लोकमान तिलक टर्मिनस। और ये ट्रेन दिन में 2:40 पर लोकमान तिलक टर्मिनस पहुंचती है, 20 घंटा 30 मिनट में 1348 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों जिस तरह हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 12294 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।